गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम जिनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं वो एक 24 साल के युवक हैं, जिनका दोनों फ्रंट के साइड्स मतलब फ्रंटल रिसेशन बायलेटरल हो चुका है। इट इज़ टिपिकल मेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें दोनों जो साइड के ट्रेंगल्स हैं इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं हम। सो जो पहली स्टेप रहती है वो रहती है हेयर लाइन की मार्किंग करना। सबसे पहले हम लोग फ्रंट हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ तक एंटीरियर एक्सटेंड होगा हेयर लाइन का, और पोस्टीरियर एक्सटेंड जहाँ तक हमें हेयर ग्राफ्ट लगाना है। इनका पोस्टीरियर जो डोनर साइड है वो काफ़ी अच्छा है। मार्किंग करने के बाद हम लोग हेड को शेव करते हैं। ये डोनर साइड मार्क्ड जो आपको दिख रही है, ये हेड शेविंग जो है हर किसी में ज़रूरत नहीं रहती है। जिनमें यदि कम ग्राफ्ट ज़रूरत है तो हेयर शेविंग अवॉइड भी की जा सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर हम लोग प्रोसीजर करते हैं। ये सारी इमरजेंसी सुविधाओं और मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप्ड है पूरा। प्रोसीजर करने से पहले हम लोग ज़ाइलोकिन सेंसिटिविटी करते हैं, एक विनस लाइन लेते हैं ताकि कभी कुछ इमरजेंसी में कुछ दवाई देना पड़ जाए तो उसे दे सकें। इसके बाद हम लोग लोकल एनेस्थीशिया लगाते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हम ग्राफ्ट लगाना चाहते हैं उस जगह पर लगाया जाता है। लोकल एनेस्थीशिया ज़ाइलोकिन रहता है जिसका असर करीब 1.5 से 2 घंटे तक रहता है। मल्टीपल ब्लेब्स फॉर्म में दिया जाता है। टोटल जो ड्यूरेशन रहता है एनेस्थीशिया देने का करीब 30 सेकंड रहता है। तो एक्चुअली ये 30 सेकंड ही मेनली जो ड्यूरेशन रहता है जिसमें आपको कुछ फील होता है, उसके बाद पूरा एरिया नंब हो जाता है। जो हम लोग सिरिंज यूज़ करते हैं काफ़ी पतली निडल रहती है, उसकी इंसुलिन सिरिंज रहती है 29-30 गॉज की रहती है, जो कि ईजिली टॉलरेबल रहती है मोस्ट ऑफ द पीपल में। एनेस्थीशिया दिया जाता है, ये एनेस्थीशिया में सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट ही सुन्न हो रहा है, बाकी व्यक्ति पूरे टाइम होश में रहता है, अवेक रहता है, बात कर सकता है, बीच में वॉशरूम जा सकता है, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, मतलब पूरे टाइम कॉन्शियस रहता है, सिर्फ सिर वाला हिस्सा सुन्न होता है। एनेस्थीशिया देने के बाद 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का जो जैसे सामने एनेस्थीशिया दिया, इसी तरह से हम लोग पीछे पोस्टीरियर पार्ट में भी एनेस्थीशिया देते हैं जहाँ से हम लोग ग्राफ्ट या हेयर ग्राफ्ट निकालने वाले हैं। इस प्रोसीजर में कोई ऐसा मेजर ब्लड लॉस नहीं होता है, तो जिस वजह से बाद में कोई कमजोरी आना या वीकनेस हो जाएगी ऐसा कुछ होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। अगले दिन से आप लगभग सारे काम कर सकते हैं, रूटीन जॉब पर जा सकते हैं। प्रोसीजर के बाद आप सिर को कवर चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर धूल वाली जगह में जाना है तो उसको कवर करके रखना पड़ता है। सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको रब नहीं करना है, टॉवल से जो रब मूवमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए और फिजिकल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए अगले 2 से 3 हफ्ते तक। और इसको रेगुलर क्लीनिंग करना रहता है, गंदगी ना हो इसलिए दिन में 2 बार 3 बार उसको वॉश करना रहता है। ये डोनर साइट है जहाँ से ग्राफ्ट निकाला है, वहाँ पे हम लोग कुछ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन ऑइंटमेंट लगा रहे हैं और इसके बाद इस एरिया को कवर करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। ये जो ड्रेसिंग रहती है इसका पर्पज़ रहता है थोड़ा स्वेल कंप्रेशन देना और धूल मिट्टी से बचाना। ये ड्रेसिंग मोस्टली हम लोग 12 से 14 घंटे तक रखते हैं, उसके बाद उसको हटा सकते हैं। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, साथ में कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें एंटीबायोटिक, दर्द की दवाई, स्वेलिंग की दवाई रहती है जो कि अगले 5 दिन तक लेना रहती है। इसके अलावा और कोई मेजर मेडिसिन या ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करना रहता है। अगले दिन ड्रेसिंग को हटाकर सिर को धोना रहता है, वॉश करना रहता है सलाइन से। यदि जो बाहर के पेशेंट रहते हैं तो वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी करवा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे हमारे पास भी आकर ये प्रोसीजर की जा सकती है। ये ड्रेसिंग विजिबल ना हो इसके लिए इसके बाद हम इसके ऊपर एक कैप पहनने के लिए दे देते हैं। इनका एज 28 साल था। इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो खाली था, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक का एरिया खाली था। इसमें हम लोगों ने FUE टेक्निक से अराउंड 3000 एयरग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए थे और ये जो रिज़ल्ट दिख रहा है अराउंड 4 मंथ बाद का है। ये एक दूसरे पेशेंट है जिसमें बायलेटरल फ्रंटल रिसेशन था, मतलब दोनों साइड के ट्रेंगल्स खाली थे और सामने फोरलॉक था जहाँ पे हेयर्स थे और उसके पीछे फिर वापस खाली एरिया था। इसमें करीब 3500 हेयर ग्राफ्ट किए गए और इसमें जो रिज़ल्ट आया करीब ये जो दिख रहा है करीब 4 मंथ्स बाद का। फ्रंट पार्ट में एक हेयरलाइन, मोटी सी हेयरलाइन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि सामने से देखने पर उनका हेयर पूरे फुलनेस दिखती है और उनका एज जो है ओरिजिनल एज या उससे भी कम दिखने लगती है। पूरा पीछे का हिस्से में हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं भी करते हैं, कई बार
इतना डोनर साइट नहीं रहता है या इतना बजट नहीं रहता है, तो सामने का एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कई लोगों में हेयर फॉल का जो स्टार्ट होता है वो इस तरह से होता है कि पीछे का एरिया जो वर्टेक्स रहता है वहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है, और वो पीछे से देखने पर एक पैच दिखता है बाल्डनेस का, जिसकी वजह से उनका एज कम दिखता है और कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग सिर्फ लोकलाइज उतने एरिया में ग्राफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 1200 से लेके 1500 ग्राफ्ट तक हो सकती है। ये एक दूसरे पेशेंट हैं जिनमें टाइप 4 बाल्डनेस का ग्रेड था, जिसमें सामने का एरिया खाली था और पीछे वर्टेक्स एरिया भी बाल्डनेस का पैच था। इसमें हम लोगों ने फ्रंट और पोस्टरियर पार्ट दोनों भागों में ग्राफ्ट लगाए हैं। टोटल 3500 ग्राफ्ट के करीब लगा था, जिसमें कि 2500 सामने लगा और 1000 पोस्टरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प में लगा था। टोटल जो ड्यूरेशन लगता है इन प्रोसीजर में 7 से 8 घंटे का लगता है, और आप सेम डे घर चले जाते हैं, अगले दिन से लगभग अपने सारे काम रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। ये हमारे एक पुराने पेशेंट हैं जिनमें एज सिर्फ उनकी 22 साल थी और एरिया काफ़ी बड़ा था, सामने से लेके पीछे तक पूरा बाल्डनेस था। इनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इस तरह के केसेस में हमने ये करा है कि सामने वाला हिस्से को ग्राफ्ट किया और पोस्टियर पार्ट में ग्राफ्टिंग करी है, ताकि पीछे से देखने पर भी हेयर दिखता है, सामने से भी दिखने पर भी होता है हेयर। बीच का एरिया जहाँ पे हम लोग नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट PRP वगैरह करते हैं, और ये करीब 4000 ग्राफ्ट का रिजल्ट है अराउंड 5 मंथ्स के बाद। ये एक अन्य युवक हैं जो ये फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। इनके बायलेटरल फ्रंटल रिसेशन था, इसमें हम लोगों ने हेयर लाइन डिज़ाइन करी, दोनों साइड के ट्रेंगल करे, इनमें काफ़ी जल्दी रिकवरी हुआ, जल्दी फास्ट हेयर रीग्रोथ हुआ। ये करीब 2000 ग्राफ्ट इसमें करे गए थे और जो रिज़ल्ट आया था ये लगभग 2.5 से 3 महीने में ही आ गया था। आर्थिक रूप से ये इतने अधिक सक्षम नहीं थे, तो इसमें हम लोगों ने EMI या फाइनेंस सुविधा देकर इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जिनमें हेयर लाइन काफ़ी ऊपर चली गई थी, फोरहेड काफ़ी बड़ा दिख रहा था और दोनों साइड के ट्रेंगल्स खाली थे। इसमें करीब 2000 से 2500 ग्राफ्ट के बीच में ट्रांसप्लांट किया गया और ये रिज़ल्ट करीब 4 मंथ्स बाद का है। कई लोगों में बाल्डनेस का एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, सामने से लेकर पीछे तक पूरा बाल्ड पैच रहता है, एज भी अधिक रहती है आमतौर पर, पीछे डोनर साइट की कमी रहती है, मतलब कि डोनर हेयर कम रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम पीछे से अधिक हेयर ग्राफ्ट निकाल सकते हैं वो निकालते हैं, और फिर एक्स्ट्रा हेयर की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग बियर्ड से या चेस्ट से हेयर निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें करीब ये 2 दिन में प्रोसीजर होता है, अगर 6000 7000 ग्राफ्ट तक का ज़रूरत रहता है। फर्स्ट डे में हम लोग पोस्टियर स्कैल्प से निकालते हैं, देन चेस्ट एंड बियर्ड से निकालते हैं। ये फीमेल पेशेंट है जिनमें हम लोगों ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से उसका डेंसिटी को बढ़ाया है। लगभग 4 to 5 सेशन लगते हैं इसमें, सेपरेटेड बाय 15 डेज ड्यूरेशन। दिस इज सेम थिंग फॉर मेल पेशेंट। कई बार हेयर ग्राफ्ट होते हैं, मतलब हेयर होते हैं लेकिन वो मोटे नहीं रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत नहीं रहता है, सिर्फ उसका क्वालिटी इंप्रूव करने का ज़रूरत रहता है। PRP थेरेपी में आपका ही 15 ml ब्लड लेके उससे कुछ सेंट्रीफ्यूज करके कुछ प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर वाला सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके मल्टीपल इंजेक्शन इन जगह पे करते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर रहता है और कई बार बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट आते हैं, बट उसके लिए कुछ एग्जिस्टिंग ग्राफ बाल होना चाहिए। इसके द्वारा हेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, मोटे काले हो जाते हैं।